मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में तीसरे दिन मंगलवार को भी श्रद्धालुओं की गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए लंबी लाइन लगी रही। श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने के लिए लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अपनी बारी आने पर गोरखनाथ मंदिर में वर्षों से चली आ रही परंपरागत रूप से गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ा रहे थे। गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और गुरु गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने के लिए लाइन में घंटों खड़े होकर इंतजार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने से मन्नत पूरी होती है, जिसका विशेष महत्व है। जिसके संबंध में श्रद्धालुओं ने बताया कि हम पिछले 11 वर्षों से गोरखनाथ बाबा के मंदिर में दर्शन करने आते हैं। मंदिर आने के बाद हमें काफी अच्छा लगता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर में आए श्रद्धालु आदित्य, राहुल, क्षितिज, मुन्ना ने कहा। सुनीता चौहान जोली, अगर आप आवाज सुन रहे हो सुनीता चौहान, तो आपके काफी परेशान है, मेला थाने पाब्लो चली आए। मंजू अजय जी, यदि हमारी आवाज मंदिर के सामने उन्हें भक्त चिन्ह पर बैठी है आने से निवेदन है कि आप लोग कृपया अपना सामान साथ ना छोड़े। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बच्चों का हाथ ना छोड़े। जिस गेट से अंदर घुसे हैं उसी गेट पर पहुंचे हैं आप। मेला घूमने जाना है तो मेला एरिया की तरफ जाए प्रस्थान करें। ये गेट नंबर 1, 2, 3, गेट नंबर 2 और 3 पर जो भी श्रद्धालु मेरा है, मेरे भाई मेरे हेरा।
मेरा नाम श्री सनातनी है। हम पिछले 11 वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे जब से आ रहे हैं तब से यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब विकास हुआ है इस साल जब से हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आते हुए। हाँ खिचड़ी चढ़ाया और उसके साथ हमने वो हल्दी चढ़ाया, चावल चढ़ाया, तिल चढ़ाया, अदरक चढ़ाया और भी कच्ची चढ़ाया। बहुत अच्छा लगता है यहाँ के मन खुश हो जाता है। नहीं हम सारे देश मिल के आए हैं एक साथ में। हम आए बखरा, मेरा नाम सुनील जी सोलंकी है और मैं भवरा से आया हूँ। मैं 6 वर्ष आता हूँ गुरु गोरखनाथ खिचड़ी चढ़ाने के लिए। यहाँ का माहौल बहुत आनंददायक है कि हर साल में मेरा लगता है इस साल और बढ़िया प्रोग्राम है। यहाँ पे घूमने में और आनंद आएगा लोगों से। बस यही कहना चाहूँगा कि लोग यहाँ आए और यहाँ का आनंद लें। हाँ मैंने खिचड़ी चढ़ाया है हर साल की फिल्म साथ रूम में जैसे चावल और हल्दी और तिल लैया चढ़ाया। यहाँ की मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज को हर साल खिचड़ी चढ़ाते हैं अपने। मेरा नाम है संगीता प्रजापति। हमारे यहाँ से आ रहे हैं सर, हमको 7-8 साल हो गया, 8 साल हो गया आते हुए। बहुत अच्छा यहाँ का माहौल, बहुत अच्छा है। आप खिचड़ी चढ़ाने आए थे, वही उड़द का दाल, चावल और रहर का दाल वही सब चढ़ाते हैं। गोरखनाथ बाबा बहुत मशहूर है, बहुत अच्छे हैं। क्या मान्यता है? बहुत मान्यता है, बहुत अच्छे हैं। आपने क्या माना? अपने घर परिवार सुखी के लिए मांगे हैं, सब संसार बढ़िया रहे, अच्छा रहे। कहाँ आई है? हमारे यहाँ अभी छपरा ककरा खोर से। आदित्य नाम है, आदित्य सर। कितने साल से यहाँ आ रहे हैं? यहाँ तो हम लोग जैसे कुशीनगर गए तो बचपन से हम लोग आते हैं, उसके पहले हमारे पिताजी आते हैं, आते रहते हैं हम लोग हमेशा घूमने और बाबा का दर्शन करने। काफी अच्छा माहौल लगता है, शांति है यहाँ पे और सुकून प्राप्त होता है। बाबा से अब क्या मांगा, ये तो रहने दीजिए, लेकिन चलिए सबकी कामना पूर्ण हुई। ठीक है, बाबा के पास कुछ मिले ना मिले सुकून जरूर मिलता है और काफी अच्छा वातावरण पहले से अच्छा हो गया है, तो काफी बेहतर है घूमने के लिए परिसर वगैरह। लगभग मुझे जहाँ तक याद है हम तो बचपन से आते रह रहे हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल 3-4 सालों के बाद आए हैं। इस बार अकेले आए हैं? नहीं अकेले नहीं, फैमिली के साथ आए हुए हैं। राहुल नाम है मेरा, जगह थाना से आए हैं। राहुल जी कितने सालों से आप गुरु गोरखनाथ के मंदिर में आ रहे हैं? 2-3 साल से आ रहे हैं हम। और मुझे यहाँ का बहुत बढ़िया मेवा लगता है। मुझे यहाँ पे अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं और हमारे 2-3 लोग सारू जी हैं हमारे, और हमारी भतीजी आई हुई है। और गोरखपुर में बहुत अच्छा लगा घूमकर, मेरा देखकर। यहाँ के प्रशासन लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक देख कर रहे हैं दूसरे का। और यहाँ का जो खिचड़ी मेला है गोरखपुर का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। खिचड़ी चढ़ाया आपने? हमने चढ़ाया, खिचड़ी चढ़ाया पूरा। क्या क्या करते हैं? चावल था, मूंग का दाल था और सब था। हाँ बहुत बढ़िया लगा। हमारा नाम जी एस पांडे है सर। कितने वर्षों से आप यहाँ गोरखनाथ के मंदिर आ रहे थे? करीब करीब 20-25 साल से ही हम यहाँ पे दर्शन करने आते हैं बाबा गोरखनाथ की धरती पे। हम लोग लोकल के रहने वाले हैं। कैसा लगा? बहुत रमणीय स्थान है, बहुत यहाँ पे जो मांगा जाए वो मिलता है फल, और बहुत सुंदर स्थान है यहाँ पे। किसी का है? जी सर। जी मुन्ना गुप्ता सर। कितने सालों से गुरु गोरखनाथ के मंदिर आ रहे हैं? जी सर, मैं 20-22 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। कैसा लगता है? जी सर हमको बहुत अच्छा अनुभव होता है, यहाँ आने से मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। क्या मान्यता है यहाँ का? मान्यता है कि जो भी सर यहाँ आकर श्री गोरखनाथ मंदिर अपना मत्था टेका, जो भी मनोकामना रहेगा यहाँ इनके आशीर्वाद से पूर्ण हो जाता है। खिचड़ी चढ़ाया आपने? जी 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 सर। कहाँ से आए हैं? जी सर मैं देवरिया जिले का रहने वाला हूँ। इस समय मैं मेडिकल कॉलेज में रैन बसेरे में मेरा मैच चलता, मैं वहीं से आया हूँ। पल्लवी गुप्ता। आप पल्लवी जी कितने सालों से आप गोरखनाथ मंदिर आ रही हैं? 20-22 साल से। कैसा लगता है? अच्छा लगता है मंदिर। और कौन सी चीज़ चढ़ाने?
क्या क्या खिलाएंगे? दाल चावल आलू हल्दी नमक। क्या मानता है, क्या मानना आपको गुरु गोरखनाथ? गुरु गोरखनाथ से बस अच्छा लगता है यहाँ पे आना।